हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज स्वागत है आपका मेरा न्यू यूट्यूब चैनल विपिन रिएक्शन में। तो कुछ दिन पहले मैंने नया नया चैनल शुरू किया, 2-3 वीडियो अपलोड भी किया और कुछ लोगों ने देखा, शायद पसंद किया और कुछ कमेंट्स भी किए। तो बात यह है कि कुछ कमेंट्स तो नॉर्मल थे, मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, कुछ सजेशन भी दिए कि क्या करना है, क्या करने से मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ और अच्छा। तो सुनकर पढ़कर अच्छा लगा, पर उसमें कुछ कमेंट्स नेगेटिव भी थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ फनी टाइप के भी थे। तो बात यह है कि उसमें 2 कमेंट्स ऐसे थे कि जिसे पढ़कर मैं क्या बताऊँ, हंस पड़ा, क्योंकि मेरे उम्र के लोगों को कोई अगर पूछे कि ज़िंदगी में कभी किसी से आई लव यू बोला है तो क्या लगेगा, अजीब सा लगेगा ना। लेकिन फिर भी शायद कुछ कम उम्र के दोस्त थे मेरे, पूछ लिए ऐसे, तो फिर भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई मिलेगा नहीं कि जिसको जिसने कभी ज़िंदगी में आई लव यू नहीं बोला होगा, और कोई नहीं बोला होगा किसी ने किसी को। हाँ, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, पर बोला होगा सभी ने, मैंने भी बोला था। तो बात यह है कि चलो बता देते हैं आज उसमें क्या है, बता देते हैं। उस वक्त मेरा उम्र शायद कोई 10-11 का होगा, 5 या 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे हम। तब हमारे क्लास में एक लड़का था तो हमसे बहुत बड़ा था, क्योंकि वो 2-3 बार फेल होकर हमारे साथ पढ़ रहा था। तो वो एक दिन अचानक मुझे ऐसे रास्ते में मिल गया, बोला कि मेरे को एक हेल्प चाहिए तेरे से। मैंने बोला हाँ ठीक है बोलो। बोला देख, अगर कर लेगा तो तेरे को 20 रुपये दूंगा। उस वक्त 20 रुपये तो बहुत बड़ा था, क्योंकि अब मैं 38 साल का हूँ, जब मैं 11-12 का था तब, आप हिसाब जोड़ सकते हैं। तो बोला अगर कर लेगा तो 20 रुपये मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा तो मार पड़ेगा। मैंने बोला भाई कर लेंगे, उसमें क्या है, अगर हो सकता है हमसे तो कर लेंगे। तो बोला ठीक है, एक काम कर, हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ रही है तो उसे मुझे आई लव यू बोलना है और लिखना है, शायद लिख के देना है, जो मेरे से हो नहीं पा रहा है तू मेरे लिए लिख दे। मैंने बोला भाई अगर उसको पता चल गया तो। बोला अरे वो तो हम देख लेंगे, बाकी तू लिख दे। हम बोले चलो ठीक है लिख देते हैं, उसमें क्या है, 20 रुपये मिल जाएगा। तो परेशानी ये था कि जो लड़की के नाम पे ये लिखने वाली थी, सॉरी लिखने वाला था, वो मेरे हैंड राइटिंग अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि हमारे नोट्स अक्सर अदल बदल होते थे तो वो पहचान जाती मेरी लिखाई। तो मैंने उसको बताया तो बोला चल फिर क्या करें। मैं बोला चलो एक काम करते, एक जो जिस रास्ते से वो लड़की जाती थी ना घर पे, वो एक पगडंडी थी, तो हम बोले भाई उसमें रेत में थोड़ा रेत ला के ऐसा नीचे डाल डाल के उसमें लिख देंगे। तो बोला हाँ ये सही रहेगा। तो हमने ऐसा किया, तो शाम को लगभग हम लोग 3-4 बजे काम कर दिया, लिख दिया रास्ते पे, जो रास्ते में वो लड़की घर जाती थी। फिर कुछ देर बाद जब स्कूल छुट्टी हुई तो वो बाहर आई, सॉरी घर पे जाने के लिए जाने लगी वो रास्ते में, तो वो देख के खड़ी हो गई। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए आई लव यू लिखा था, भले मेरे लिए नहीं था पर लिखा था तो पहली बार। तो मैंने रिएक्शन क्या होता है देखने के लिए, थोड़ी दूर जाके खड़ा, मतलब एक झाड़ियों का, मतलब एक बहुत सारे झाड़ियाँ थी, जंगली झाड़ियाँ, वहाँ छुप गया। मगर छुपा भी ऐसे था कि सामने से कोई देखे ठीक से तो देख लेगा, तो ऐसे में छुपा था। बस एक था जुनून के, मतलब क्या रिएक्शन आता है, पहली बार ऐसा कुछ लिखा था तो खड़ा हो गया, जाके छुप गया था मतलब बैठ के। और वो जो लड़का था वो एकदम, वो भी एक झाड़ी में जाके छुप गया था, मगर वो बगल में था, मैं सामने था, वो बगल में था। लेकिन
किस्मत मेरा ही ख़राब था। वो लड़की जब आई पढ़ी और चारों तरफ ऐसे घूमने घूम के देखने लगी कौन है क्या है कहाँ है, तो उसकी नज़र मेरे पे गिर गया। तो उसको लगा कि मैंने ही लिखा है, क्योंकि मैं भी उसके क्लास में था। तो फिर मैं तो डर के मारे वहाँ से भाग गया उस वक्त। लेकिन दूसरे दिन जब वो मेरे से मिली तो मेरे को बोला तू ही लिखा होगा, अब तेरे नाम पे तो कंप्लेन करना पड़ेगा, मैं टीचर को भी बोलूँगा, तेरे घर पे भी जाके बोलूँगा। तो मेरे को इतना डराया था उसने कि मैं 2-4 दिन तक तो स्कूल ही नहीं गया, ट्यूशन भी नहीं गया, डर के मारे कहीं मेरा धुलाई ना हो जाए। फिर एक दिन हिम्मत करके बाज़ार में उसको मिला जाके, और फिर उसको सारी बातें बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने नहीं लिखा तो था, पर मैंने मेरे लिए नहीं लिखा था, उसके लिए लिखा था, पर उसने भरोसा नहीं किया मेरी बात पे, उल्टा मेरे को बोला कि तू झूठ बोल रहा है बचने के लिए, मैं तो बोलूँगा ही टीचर को। पर कोइंसिडेंटली बात ये है कि उस वक्त जो था हमारा फाइनल, मतलब साल का आखिरी दिन था स्कूल में, फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था, 2-3 दिन बचा था, तो मैंने बहाने करके स्कूल ही गया नहीं, घर पे पढ़ता रहा, फिर एग्ज़ाम हो गया। लेकिन फिर मेरे मन में एक डर था कहीं वो मेरे को बाद में ना मिल जाए, मेरा धुलाई ना कर दे, तो इसीलिए मैंने घर वालों को बोल रखा था कि भाई मेरा जो एडमिशन है ना वो किसी और स्कूल में करा दो, स्कूल में मेरा मन नहीं लगता। बहुत मैंने मतलब माथापच्ची किया था, तब मेरे घर वाले भी थोड़ा बहुत राज़ी भी हो गए थे दूसरे स्कूल में लेने को, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा पढ़ता था, तो सोचा कि चलो इसको मन नहीं लग रहा है यहाँ पे तो दूसरे जगह ले लेते हैं। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे जगह, तो मैं थोड़ा राहत का सांस लिया कि चलो भाई धुलाई से तो बच गया। तो सच में देखा कि थोड़े दिन बाद पता चला सचमुच उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो लड़की चली गई, पता नहीं अभी वो कहाँ होगी, मेरे उम्र की तो होगी ही, और अगर वीडियो देख रही होगी तो फिर पता नहीं क्या सोचेगी, पर मुझे वो बात अभी भी याद है कि मैं कितना डर गया था पहली बार बोल के या लिख के कुछ। तो ये था मेरा पहला हाल, अभी सुन के पता नहीं आपको क्या लगेगा। चलो खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, हफ्ते के लिए आज के लिए इतना ही। तो भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलो रखते हैं, बाय।